ये डिश बनकर तैयार है। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल इलायची किचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल इलायची किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, इलायची किचन में आपका स्वागत है। इलायची किचन में आज हम लेफ्ट ओवर रोटी का नमकीन केक बनाएंगे। इसके लिए मैंने 5-6 लेफ्ट ओवर रोटी ली है, 4 प्याज है, 2 टमाटर, 4-5 हरी मिर्ची है, 5-6 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का है और कुछ सूखे मसाले हैं, हल्दी है, धनिया, मिर्ची, नमक, हींग है और थोड़ी सी शक्कर। चलिए अब प्याज और टमाटर को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया। प्याज, अदरक, लहसुन को इसमें पीस लिया है, टमाटर की प्यूरी अलग पीस ली है और हरी मिर्ची और धनिया का अलग से पेस्ट बना लिया है। चलिए अब और पैन में ऑयल गरम रखते हैं। थोड़ा सा ज्यादा ऑयल रखेंगे क्योंकि मसाला बनाना है हमको। ऑयल गरम हो जाए जब हम इसमें प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। चलिए ऑयल गरम हो गया है, इसमें यह पेस्ट डालते हैं। मैंने अदरक, लहसुन और प्याज को अच्छी तरह पीस लिया है। इस अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक अच्छी तरह भूनना है। को 2 मिनट के लिए ढककर पकाते हैं। फिर ये प्याज थोड़ा सा हल्का हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब इसमें हरी मिर्ची और हरे धनिया का पेस्ट डालेंगे ताकि ये साथ में इसके अच्छी तरह से भुन जाए। थोड़ा सा आंच को तेज करते हैं, फिर वापस स्लो कर देंगे। स्लो करके इसको ढककर पकाते हैं। अच्छा गुलाबी हो जाएंगे प्याज जब तक। चलिए अब यह अच्छी तरह से प्याज और हरी मिर्ची सब भुन रहे हैं। अब इसमें टमाटर का पेस्ट जो हमने पीसा था वो डालते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद में इसको 5 मिनट और ढक के पकाएंगे और फिर सब मसाले डालेंगे। आप देखते जाइए कि आगे रोटी का केक कैसे बनता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे तो घर में कोई भी बची हुई रोटी नहीं खाता है, पर यदि आप ऐसे बना के देंगे घर में बच्चों को, बड़ों को, तो सब चाट चाट के खाएंगे। चलिए ये प्याज और टमाटर की ग्रेवी अच्छी ब्राउन हो गई है, देखते हैं। अब इसमें हम मसाले मिलाते हैं। मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया, नमक, लाल मिर्ची। नमक थोड़ा सा कम ही मिलाइए क्योंकि रोटी में भी हम आटा गूंथते समय नमक डालते हैं, शक्कर को छोड़ के। अभी हम सब मसाले डाल देते हैं। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको भी मध्यम मध्यम आंच पर ही भून लेंगे। इसमें हरी मिर्ची, अदरक वगैरह सब है, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्ची भी कम डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्ची डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा चटपटा खाते हैं तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं नमक। अब इसको गैस को मध्यम कर देते हैं और 5 मिनट के लिए और भूनते हैं। मसाले भी भुन गए हैं और हम इसमें ये शक्कर डाल देते हैं। शक्कर भुन जाने तक और इसको भूनते हैं।
थोड़ा सा 2 टीस्पून मैं पानी डालती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह से और भुन जाए और इनका फ्लेवर अच्छा उभर कर आएगा। दो मिनट के लिए और ढक के पकाते हैं। अब इस गैस को बंद करते हैं। आइए अब ये मसाले को हम रोटी पे लगाएंगे। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। देखिए मेरे पास ऐसा कुकर है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ब्रश करते हैं ताकि पूरी तरह हम रोटी डालेंगे तो चिपकेगी भी नहीं और जलेगी भी नहीं। कुकर में ऑयल को अच्छी तरह से सब दूर ब्रश करते हैं। यह केक खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है और चटपटा। कोई बोल नहीं सकता कि यह रोटी का केक है। इस पर दही, चटनी, सॉस, चाहे तो आप सेव वगैरह डाल के बढ़िया खा सकते हैं। अब पहले हम एक रोटी रखेंगे इसमें और फिर ये मसाला इस पर ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे। पूरी रोटी पे मसाले को स्प्रेड करना है ताकि मसाला सब तरफ से फैल जाए। और गैस की आंच को, कुकर रखेंगे तो गैस की आंच को धीमी ही रखना है ताकि रोटी भी ना जले और रोटी आसपास से एकदम बढ़िया कुरकुरी हो जाती है और खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, नीचे से भी क्रिस्पी रहती है, आसपास की इसकी रोटी की किनारी अच्छी कुरकुरी हो जाती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसको मसाले को एक एक करके रोटी डालते जाएंगे और मसाले को फैलाते जाएंगे अच्छी तरह से, सब दूर मसाले को फैलाते हैं। एक बार यदि आपके घर में यह इस टाइप का केक खा लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा रोटी बनाना पड़ेगी स्पेशल इस रोटी के केक के लिए। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि मेरे पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल रही है। एक एक रोटी रखते जाए और मसाला डालते जाए। ये पूरी रोटी और मेरा पूरा मसाला मैंने इस पे फैला दिया है। अभी ये लास्ट रोटी है, इसको हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे। मैंने ये वाला कुकर लिया है, इसका ढक्कन लग, इस पे मैंने इसकी सीटी निकाल ली है, इसकी सीटी नहीं लगाना है। रोटी भी पकी हुई है, मसाला भी पका हुआ है, बस हमको ये सब मसाला और रोटी एक साथ पक जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कुकर को बिल्कुल मध्य आंच पर रखना है, नहीं तो रोटी नीचे से जल जाएगी और मसाला भी जल जाएगा। अब सिर्फ 5 मिनट में ये रोटी बनकर, रोटी का केक बनकर तैयार हो जाएगा। ये रोटी का केक बनकर तैयार है, नीचे से बहुत अच्छा कुरकुरा हो गया है। देखिए मैं निकाल के आपको बताती हूँ। गैस को बंद करते हैं और बिल्कुल सावधानी से करिए आप, नहीं तो फिर हाथ जल जाएगा। देखिए मैं इस पे कुकर पर ऐसे थाली उल्टी रख के उसको नैपकिन की सहायता से धीरे से इसको उल्टा करेंगे तो केक निकलकर बाहर आ गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम कुरकुरा कुरकुरा सा, एकदम इसकी रोटी एकदम कुरकुरी हो जाती है। अब इसको कट करते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसको सॉस के साथ, दही के साथ, आप चटनी के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर रोटी ऐसे कोई नहीं खाता, बच्चे सब घर में सब नखरे करते हैं कि रोटी बच गई है कभी, तो कोई नहीं खाता है। अब आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। बनकर तैयार है। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल इलायची किचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।